इस उदक में जो कोशिकाएं हैं वो एक तरल पदार्थ में डूबी हुई रहती हैं, जिसे हम अंतराकोशिका तरल पदार्थ या मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो गोलाकार होती हैं और उनके बीच में अंतराकोशिका अवकाश अधिक या कम मात्रा में पाया जाता है। ये जो संयोजी उत्तक है इसके ये कुछ विशेष प्रकार के जो शारीरिक संरचना है उनका निर्माण करता है, जिसका नाम आपके उपास की जिसे हम इंग्लिश में कार्टिलेज भी कहते हैं। कार्टिलेज यानी जो हम कहते हैं मांस हमारे शरीर का। दूसरा है अस्थि जिसे इंग्लिश में हम बोन कहते हैं। तीसरा है आपका रक्त जिसे हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। और चौथा है हमारा प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज की सबसे पहले यानी उपास्थि। उपास्थि की जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं, हमारे शरीर के बिल्कुल जटा के नीचे पाई जाती हैं। ये जो आपकी उदर है ये आपका ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो बहुत पास पास स्थित होती हैं। ये हमारे शरीर को गति प्रदान करने में या खिंचाव प्रदान करने में सहायता करती हैं। दूसरे की हम बात करते हैं अस्थि। अस्थि हम सभी जानते हैं ये वो उत्तक है जो कंकाल अस्थियों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम कंकाल पेशी उत्तक भी कहते हैं। तीसरा है हमारा रक्त। रक्त हमारा एक तरल उत्तक होता है, ये जो है गोलाकार कोशिकाओं से पाया जाता है, इसकी कोशिकाओं के बीच में केंद्रक भी पाया जाता है। जो हमारा रक्त है इसके अंदर आप सभी ने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा आरबीसी यानी कि आरबीसी जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं लाल आर फॉर रेड, ब्लड यानी कि रुधिर या रक्त, सी माने कार्पसस यानी कि कणिकाएं जिसके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी और साथ ही साथ और क्या प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स उपस्थित होती हैं जिसे हम पट्टिका अणु भी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद हमारा लास्ट आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक रंगीन पदार्थ होता है जिसके अंदर रक्त की तरह सभी पदार्थ पाए जाएंगे सिवाय आरबीसी के, इसलिए ये रंगीन पदार्थ होता है। जब आप चोट वोट लगती है आपको तो आप देखते होंगे आपके शरीर पर एक वाइट कलर का सफेद रंग का रक्त निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं उसे हम सीरम कहते हैं जो आपके प्लाज्मा में ही उपस्थित होता है। तो प्लाज्मा के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो रंगीन होती हैं, जो रक्त है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी रंगीन होती हैं और ये